ट्रैफिक में इंदौर नंबर वन बने, इसके लिए प्रयास करो कि शहर में चौराहों पर भिक्षावृत्ति बंद हो, ब्लॉक्स लगे, फिर उखड़े, फिर एक सीवरेज की लाइन डली, बंद हुआ, फिर उखड़ा। मैं कोशिश करूंगा कि काम जो हो वो एक बार में हो, एक ही काम के लिए बार बार सड़कें ना खुले। भाजपा ने इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव को महापौर चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। सामने है संजय शुक्ला। संजय शुक्ला खुद तो विधायक हैं ही, पूरा परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र में महाधिवक्ता बने पुष्पमित्र भार्गव और विधायक संजय शुक्ला के बीच महापौर चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। आइए बात करते हैं पुष्पमित्र भार्गव से और जानते हैं कि इंदौर के लिए उनके क्या सपने हैं जो जीतने के बाद वो पूरे करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस को लेके और जिस प्रकार का संवाद लोगों का नगर निगम से हो, उस मित्र भाव से हम काम करेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बढ़े। और बाकी तो इतना काम हुआ है कि सीधी बड़ी कोई चुनौती या ऐसा कोई विषय है नहीं, लेकिन इसके आगे क्या उसको जमीन पे उतारना वो एक चुनौती जरूर है। मेरे बारे में आप एक बार ठीक से अगर अध्ययन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो मैं इंदौर में छात्र नेता रहा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा और उस नाते कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसने सीधे हमको समाज से जोड़ा है। और जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम पहली बार करना पड़ता है, इसलिए मैं भी पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम कार्यकर्ता आधारित होता है। कमल का फूल चुनाव लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ाता है। हमारी तैयारी उनके पहले से है, जिस दिन इलेक्शन डी हुआ उस दिन से है। और पुराना किया हुआ काम, कार्यकर्ता की ताकत, शिवराज जी के सपनों का इंदौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का भारत, विष्णुदत्त शर्मा जी का संगठन कौशल, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की इंदौर को लेकर विकास गाथाएं, स्वच्छता में इंदौर नंबर वन। कांग्रेस है जिसने इस देश में इतने अवसर मिलने के बाद भी जीरो विकास किया। देश जहां से शुरू हुआ था वहीं है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारत का नया उदय हुआ। वैसे ही इंदौर में 2000 पहले तक नगर निगम का नाम सुनकर लोग हतोत्साहित हो जाते थे, मन में पीड़ा होती थी, लेकिन सन 2000 के बाद से लगातार चार कार्यकालों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक विकास इस इंदौर में किया है। सड़क, बिजली, ड्रेनेज का जो काम हुआ है पूरी दुनिया उसको देखने आती है। सफाई में हम नंबर वन हैं। हाई राइज, स्मार्ट सिटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चुनाव भाजपा के विकास विरुद्ध कांग्रेस की निष्क्रियता और देश को और इंदौर को पीछे धकेलने के पॉइंट पे है। शहर में बरसों बाद सड़कें चौड़ी करने का अवसर आया। लोगों ने स्वेच्छा से, मन से अपना अपना स्थान दिया। लेफ्ट टर्न के लिए कई शहर के बड़े लोगों ने अपनी जगह दी। तो एक बार तो किसी ना किसी जगह हम अपने घर में भी 25-30 साल बाद कोई रिन्यूअल करते हैं, तो वैसा ही है। मुझे लगता है अब जो पुराने इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो लगभग पूरा हो गया है। बाहर के शहर का विकास ऐसा हो जिसको बाद में कभी भी ऐसे तोड़फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। पार्टी के सामूहिकता से निर्णय इसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई समस्या है। ये बात आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए इसलिए मिलेगी कि यहाँ एक पद के लिए 20-25 लोग दावेदार हैं और सब ताकतवर हैं। तो पार्टी में एक बात सिद्ध है, मतों पे भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत और वेग से लगेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन कौशल में, जिला इकाइयों के अपने अध्यक्षों में और जो चुनाव समिति बनी है वो सब मन से अपने वेग से काम कर रहे हैं। वो पूरे मनोभाव से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में
एक ही बूटे कमल का फूल। इंदौर शहर की जनता उत्सव धर्मी है, सबको साथ लेके आगे बढ़ाने वाला ये शहर है। विकास की इस गाथा में इंदौर को स्वच्छ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आगे भी ये विकास सही अर्थों में हो, इसलिए वो समझदार है कि किसको चुनना है, कौन विकास की इस गाथा को आगे बढ़ा सकता है, किसके किस पार्टी के विचार के आधारित विकास आगे बढ़ सकता है, उसका सही चुनाव वो करेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इंदौर मुस्कुरा रहा है, इंदौर के नागरिक मुस्कुरा रहे हैं, जो कि पूरे भारत के चेहरे पे दिखता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।